हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये हमारा होलिका दहन का ब्लॉग है और मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ जो कि रीवा में है। और यहाँ सब लोग होलिका दहन का फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। सब लोग वेटिंग में हैं कि कब होलिका दहन स्टार्ट होगा। देखिए, अब होलिका दहन स्टार्ट हो गया है। सब अपना मज़ा ले रहे हैं होलिका दहन में, आग हाथ सेक रहे हैं। और यहाँ मैं और मम्मी जी भी मेरी आ गई हैं। हम लोग वेट कर रहे थे कि कब जलेगा कब जलेगा, तो अब हम लोग भी आ गए हैं। और मेरा बेटा भी आ गया है वंशु, इसको भी बढ़िया मज़ा आ रहा है देखने में। और सब लोग अपनी नज़र उतार के और उसमें डाल रहे हैं। होलिका दहन के दिन ऐसा कई जगहों पर मतलब देखा है मैंने खासतौर पर कि सब अपनी नज़र उतार के और उसमें डालते हैं। फिर जेंट्स लोग मतलब चक्कर भी लगाते हैं, कई जगह तो लेडीज़ें भी लगाती हैं, तो वही सब लोग कर रहे हैं। और मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, यानी कि इतने टाइम बाद हम लोग अपने घर आए हैं तो सब लोग साथ में इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद वंशु भी मेरे को अपने हाथ से सेक रहा था और पापा वंशु एक दूसरे को गुलाल लगा के सेल्फी ले रहे थे। वो दोनों भी बढ़िया मज़ा कर रहे हैं। फिर ये आंटी मेरे को लगा रही थी गुलाल, मैंने भी उनको लगाया। वंशु से बात कर रही थी, मम्मी जी और मैं भी लगाए एक दूसरे को। उसके बाद फ़ोटो सेशन चल रहा है हम लोगों का। और हमारे पापा जी की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैं आप लोगों से प्रे करूँगी कि आप लोग मेरे पापा जी के लिए प्रे करिए कि उनकी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद मैं वंशु को दादी से लगवा रही हूँ कि वंशु दादी को भी लगाओ। वंशु हाथ साफ कर ले रहा है कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं पकड़ के फिर से लगवा रही हूँ। तो ऐसा ही कुछ था हमारा होली का फेस्टिवल। तो प्लीज़ गाइज, आप मेरे भी इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार दीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर अपने और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए।